है डॉक्टर आशुतोष सिंह, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन, मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा से। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी स्टोन्स के बारे में। हमारे इंडिया में जहाँ हॉट क्लाइमेट कॉमन है, यूरिनरी स्टोन्स की फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली हाई है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 7-8% पॉपुलेशन को यूरिनरी स्टोन का प्रॉब्लम रहता है। यूरिनरी स्टोन से आगे बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और इसका मेन कारण यहाँ की क्लाइमेट और यहाँ पानी का कम यूज़ है। गुर्दे की पथरी कई तरह की होती है। एक कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स बनते हैं हमारे जो खान पान है उसमें ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण। सबसे मुख्य कारण इसका होता है यूरिन का हाइपर कंसंट्रेशन होना। अगर हॉट क्लाइमेट में हमारा वाटर लॉस ज़्यादा होगा पसीने के रूप में और हमारा यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो ऐसे केस में कैल्शियम ऑक्सीलेट यूरिन में प्रेसिपिटेट होकर कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स बनाता है। दूसरे स्टोन्स होते हैं जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन होता है, हमारे यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसका कारण होता है कि यूरिन का अधिक एसिडिक होना। इसके अलावा एनिमल डाइट से यूरिन में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो कि यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म करता है। तीसरे प्रकार के स्टोन होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जिनको स्ट्रूवाइट स्टोन भी बोला जाता है। ये स्टोन इन्फेक्टेड यूरिन में बनते हैं। जब भी यूरिन में किसी कारणवश इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और बैक्टीरिया यूरिया को स्प्लिट करके अमोनिया में चेंज करता है, जिसकी वजह से फॉस्फेट स्टोन बनते हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टोन्स होते हैं, जैसे सिस्टीन स्टोन हो गया, जेंथीन स्टोन हो गया। कुछ परसेंटेज के केसेस में जेनेटिक फैक्टर भी रहता है। ये देखा गया है सामान्यतः अगर किसी को एक बार स्टोन बनता है तो अगले 10 सालों में 50% संभावना रहती है कि उसको दोबारा स्टोन बनेगा। इसलिए जिनको भी स्टोन बनता है उनको आगे के लिए काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। हमारे यूरिन में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टोन की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीलेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, अधिक मात्रा में कैल्शियम का एक्सक्रेशन हो गया जो कि हाइपरथायराइड पैराथायराइडिज्म में मिलता है। कुछ फैक्टर होते हैं जो स्टोन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे सिट्रेट और मैग्नीशियम। अगर हमारे खान पान में सिट्रेट का अमाउंट कम है तो उससे स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है हमारे यूरिन का हाइपर कंसंट्रेशन होना। अगर हम डेली रूटीन में लिक्विड अमाउंट हायर साइड में रखेंगे, जिससे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे स्टोन की टेंडेंसी कम हो जाती है। गुर्दे की पथरी का मुख्य लक्षण होता है पेट में दर्द होना। हालांकि लक्षण डिपेंड करता है कि किस जगह पर पथरी है। अगर स्टोन किडनी में है या अपर यूरेटर में है, तो पेन पेट में ऊपर की तरफ साइड में होगा, जिसे फ्लैंक पेन बोलते हैं। अगर स्टोन नीचे आता है लोअर यूरेटर में, पेन नीचे शिफ्ट होता जाएगा। स्टोन यूरिनरी ब्लैडर के पास है तो पेशेंट को पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में रुकावट फील हो सकती है। इसके अलावा अगर स्टोन इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, पेशेंट को फीवर आ सकता है और पेशेंट को सीवियर पेन के साथ जाड़ा देकर बुखार आता है। लेटर स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं ले लिया जाता है तो ये किडनी फेल भी कर सकता है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है और यूरिन इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स पेशेंट में आ सकते हैं। सबसे पहले हमें पथरी को डायग्नोस करना होता है। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट आता है, यूरिनरी कोई भी कंप्लेंट है, उसका यूरिन रूटीन कराएंगे तो उसमें RBC दिखते हैं, मीन्स यूरिन में ब्लड दिखता है। इन्फेक्शन है तो पस भी दिख सकता है। उसके बाद एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड से उसके किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का स्टेटस पता चलता है, स्टोन की लोकेशन पता चलती है। स्टोन की वजह से किडनी में सूजन दिखाई दे सकती है, इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के अकॉर्डिंग में फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जैसे CT स्कैन या IVP कराकर किडनी का कितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, एग्जैक्टली जो एनाटॉमिकल इमेजेस होती है वो प्रॉपर वे में हमें दिखाई देता है।
इससे हम किडनी का साइज डायग्नोज करते हैं, लोकेशन डायग्नोज करते हैं, किडनी का इफेक्ट और स्टोन का इफेक्ट किडनी के ऊपर कितना आ रहा है वो डायग्नोज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। देखिए काफ़ी पथरी जो छोटे साइज़ की होती है 3-4-5 mm की, वो तो मेडिसिन के द्वारा ही निकल सकती है। किडनी में अगर 3-4 mm का स्टोन होता है उससे मेडिसिन देते हैं जो स्लोली स्लोली वो डिसॉल्व हो, साइज़ आगे ना बढ़े। सेम अगर पथरी यूरेटर में आ गई है उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जो अल्फा ब्लॉकर दिए जाते हैं, जो गुर्दे से आने वाली नली जिसे यूरेटर बोलते हैं उसको रिलैक्स करता है, इससे स्टोन ईजिली बाहर आ जाता है। सिमिलरली ब्लैडर में कोई स्मॉल स्टोन है वो भी मेडिसिन के द्वारा बाहर आ सकता है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा है, इतना बड़ा है कि बाहर नहीं आ सकता या बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, उस केस में हमें सर्जरी द्वारा स्टोन को निकालना पड़ता है। किडनी में स्टोन है उसके लिए हम PCNL कर सकते हैं, RIRS कर सकते हैं, मीन दूरबीन द्वारा पथरी को निकाला जाता है। अगर किडनी में छोटी पथरी है तो उसको लिथोट्रिप्सी द्वारा भी तोड़कर निकाला जा सकता है। लिथोट्रिप्सी होता है बिना ऑपरेशन के किरणों द्वारा पथरी को तोड़ा जाता है जिससे वो टूटकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती है। सिमिलरली पेशाब की थैली में पथरी है या यूरेटर में स्टोन है, उसको लेज़र द्वारा हम बिना किसी चीरे के तोड़कर निकाल देते हैं। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है, मिनिमल इन्वेजिव मेथड से स्टोन रिमूव करके हम पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम मेडिसिन देते हैं, सिरप दिया जाता है पोटेशियम सिट्रेट सिरप, जो कि पथरी आगे बनने से रोकता है। जिन लोगों को पथरी बनने की टेंडेंसी होती है उनको ये सिरप लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए जिससे बार बार पथरी बनने की संभावना कम हो जाए। अदरवाइज जैसे कि हमने बोला, एक बार पथरी बनने के बाद अगले 5 से 10 साल में 50% चांस होते हैं दोबारा पथरी बनने के। इसके अलावा कोई डाइट्री मीज़र जो ऑक्सलेट रिच डाइट है, जैसे पालक टमाटर हो गया और चॉकलेट्स वगैरह हो गए, इनका सेवन कम करना चाहिए जिससे कि पथरी बनने की संभावना कम हो। और जो सिट्रेट फूड्स हैं जिनमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लेना है। लिक्विड अमाउंट हमें हायर साइड में रखना है जिससे यूरिन आउटपुट मोर देन 2 लीटर ए डे हो। जिनको बार बार पथरी बनती है उन्हें अपना यूरिन आउटपुट मेजर करना चाहिए और एम रखना चाहिए कि टोटल यूरिन अमाउंट 24 आवर में 2 लीटर से ज़्यादा हो जिससे स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, मिल्क प्रोडक्ट जितना आप यूज़ करते हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिल्क यूज़ करने से पथरी बनने की संभावना बढ़ती नहीं है। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे आपको यूज़ करना है। थैंक यू।